दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। बीटा 3 का एम्पलीफायर आउटपुट सेक्शन ओके हो गया है, तो अब हम इसका लोड टेस्ट करने का हिसाब बनाएंगे और आपको थोड़ा सा बताने की और समझाने की कोशिश करेंगे इसमें किस तरीके से हम लोड टेस्ट के लिए कनेक्शन करते हैं, और लोड टेस्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये इसके आउटपुट में मैंने मीटर की तार लगा रखी है, इसमें मीटर की इसको एसी रेंज में रखा हुआ है। ये वाला पॉइंट अर्थ हो गया और ये इसका आउट हो गया। ये आउट जो है ये मीटर पे आ गया, एसी लाइन आ गई, ठीक है। और यहाँ पर जो नीचे लगा रखा है ये वायर जो जा रही है नीचे से, ये जा रही है लोड रेजिस्टेंस पे। लोड रेजिस्टेंस है वो रखिए सामने, ठीक है। ये अपनी बनाई हुई रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस तो इसमें जा रही है। और इसमें यहाँ पर यह ऑसिलोस्कोप को मैंने ऑन कर लिया है, और इसके नीचे है सिग्नल जनरेटर, 1 किलो हर्ट्ज का सिग्नल इसके इनपुट पॉइंट में, एम्पलीफायर के इनपुट पॉइंट में दे रहा है। और वहाँ पर सामने लगा हुआ है जो पॉइंट 19 बता रहा है वो एम्पियर मीटर लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इसकी थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम खोलता हूँ, आप ऑसिलोस्कोप पे देखो क्या होता है, ठीक है। ये मैं इसकी वॉल्यूम खोल रहा हूँ, 1 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल दिया हुआ है मैंने इसको, ये थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ वॉल्यूम इसका, एम्पलीफायर का खोल रहा हूँ, ठीक है। और उधर जो है एम्पियर भी बढ़ रही है धीरे धीरे, ये देखो। ये थोड़ा सा पीछे करके दिखाता हूँ, ये इसकी एम्पियर भी बढ़ रही है, अब ये 2 एम्पियर हो गई। और इसका ये देखो, अब ये 3 एम्पियर हो गया। ऑसिलोस्कोप पे भी स्कैनिंग बढ़ रही है, ठीक है। ये और बढ़ गया, ये और बढ़ गया, अब ये 4 एम्पियर के आसपास हो गया। थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ, अब ये लिमिट इसकी, ये जो ऊपर जो लाइनिंग आ रही है इसका लगे लिमिट इसकी ख़त्म हो गई है, ठीक है। ये थोड़ा सा और बढ़ा है, ये लिमिट है, ये जो ऊपर से जो है थोड़ा सा ख़राब हो रहा है इसका लगे, इसकी लिमिट इसकी ख़त्म हो गई है। दूसरा इसमें यहाँ पर एक ये LED लगी हुई है, ये भी इसकी ऑन हो गई है, ठीक है। ये वॉल्यूम थोड़ा मैं कम कर रहा हूँ, इसकी LED बंद हो गई, और वहाँ पर जो ऊपर जो सिग्नल ख़राब हो रहा था वो भी ओके हो गया। ये देख लो, ये एम्पियर ले रहा है, 4 एम्पियर लगभग, 5 एम्पियर मान के चलो आप, 5 एम्पियर पे ये चल रहा है। और ये हीट हो गया है, काफ़ी हीट हो गया है ये इसका, ठीक है। मैं इसकी वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा कम कर रहा हूँ, क्योंकि इसको चेक करते वक्त इतनी ही देर लोड टेस्टिंग करनी चाहिए, इससे ज़्यादा देर करने से ये प्रॉब्लम में आ सकता है। क्योंकि अब इसका पंखा भी बहुत तेज़ चल रहा है इसको ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो इतनी देर के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जो 1 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल देते हैं इसमें, वो लगातार इसको 1 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल मिलता है, मतलब 1 किलोहर्ट्ज़ का जो सिग्नल है वो एक तरह से सीटी की तरह आता है और वो लगातार एक ही हिसाब में चलता है, ठीक है। वैसे हम पर म्यूज़िक चलाते हैं तो म्यूज़िक तो अप डाउन होता रहता है, उसमें इतना एम्पलीफायर को रखना पड़ता, लेकिन ये वाली जो 1 किलोहर्ट्ज़ की है सिग्नल, ये मतलब मजबूत सिग्नल इसको हमने इनपुट पर दे दिया, और इससे आउट भी हमने पूरा लोड डाल के ले लिया। तो इससे क्या है कि ये जो है इसका हीट सिंक काफ़ी हीट हो जाती है, अब ये इतनी हीट हो गई कि मैं इस पर हाथ नहीं रख सकता, ठीक है। ज़्यादा देर हाथ नहीं रख सकता, रख नहीं पा रहा हूँ हाथ, क्योंकि हाथ मेरा अब ये पंखा भी स्पीड कम हो गई है, थोड़ा ये ठंडा हो गया होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कई लोग मेरे से, सब्सक्राइबर मेरे से पूछते हैं कि कितनी देर तक हम इसको
लोड टेस्टिंग के लिए कितनी देर तक हम इसको चला सकते हैं। तो बस इतना ही देर चलाओ इसको कि हल्का आपको लगे हीट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है, ओवर हीट होने लग रहा है, तो तुरंत इसको वॉल्यूम कम कर दो। बस इतना ही देर इसको किया जाता है। दूसरा ये है कि इसकी वाट कितनी ले रहा था ये, वो भी जैसे कि वहाँ पर लगभग 5 एम्पियर ले रहा था ये, तो 5 एम्पियर गुना इसमें जितनी वोल्टेज थी उस वक्त, वो वोल्टेज और वो एम्पियर गुना कर दोगे तो इसकी वाट आ जाएगी कितनी वाट ये 5 एम्पियर पे एम्पलीफायर ले रहा था एक चैनल। ठीक है, अब मैं इसके दूसरे चैनल पे ये लगाता हूँ, फिर उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। दोस्तों मैंने इसमें दूसरे चैनल में कनेक्शन कर दिए हैं, इसकी आउटपुट ये हीट सिंक के मतलब कलेक्टर से इसकी आउटपुट है। ठीक है, और इसमें सेटिंग क्या कर रखी है, ये दोनों हीट सिंक अलग अलग बना रखी हैं और ये हीट सिंक बॉडी से अर्थ ना हो उसके लिए ये जो है प्लास्टिक की पीसीबी पे ये हीट सिंक कसी हुई है, ताकि ये हीट सिंक ना इसकी बॉडी से शॉर्ट होगी और ना ये आपस में शॉर्ट होगी, ये दोनों अलग अलग बना रखी हैं। इसकी आउटपुट यहाँ इसके कलेक्टर से आ रही है, कलेक्टर से सीधा जुड़ा हुआ है, सीधा कसा हुआ है, माइका नहीं लगी हुई इस पर ऐसे इधर, तो ये दोनों आपस में मिला नहीं सकते, अगर आपस में मिला देंगे तो दोनों के स्पीकर पॉइंट मिल जाएंगे, इसलिए ये अलग अलग उसको बना रखा है। ठीक है, तो ये भी मेरे को बताना था, मैं अभी बता नहीं पाया, भूल गया था, तो अब मैंने अभी याद आ गया, मेरे को कई बार चीज़ें होती हैं दिमाग से निकल जाती है। तो ये जो आउटपुट मैंने यहाँ से ये जो इसका ऑसिलोस्कोप है आउटपुट पे मैंने यहाँ लगा रखी है और ये आउटपुट आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर से मैंने मीटर की तार लगा दी एसी पॉइंट पे रख के। ठीक है, अब हम इसकी वॉल्यूम खोलेंगे और इसमें देखते हैं ऑसिलोस्कोप पे क्या होता है। ये मैं थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम इसकी खोलना शुरू कर रहा हूँ, ये सिग्नल इसका बढ़ गया ना, और इधर से ये देखो ये वोल्टेज की बढ़नी शुरू हो गई। अभी इसमें एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये इसका ऑसिलोस्कोप देखो, ये ऑसिलोस्कोप की ये बढ़नी शुरू हो गई लाइन। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और मेरे को नज़र आ रही है प्रॉब्लम, वो क्या है, ये जो है इसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कंट्रोल ये ख़राब बता रहा है। वो कैसे कि जैसे कि अपन इसके एम्पियर को देखें, ये एम्पियर ये एकदम से 7 एम्पियर पे पहुंच गया, अब ये 1 एम्पियर है, जबकि इसका मैं ये देखो ये वॉल्यूम जो है ये मैं हल्का सा ही घुमाता हूँ, ये वाला है ये यहाँ, और ये हल्का सा घुमाते ही वहाँ पर एकदम से फर्क नज़र आ जाता है। ये देखो एकदम से बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम इसका चेंज करना पड़ेगा, ये वॉल्यूम ये देखो ये एकदम से ये जो प्रॉब्लम कर रहा है ना, ये हल्का सा वॉल्यूम को खोलने पर ये स्पीकर में खराबी आएगी उस टाइम पे, खड़खड़ या जोर से ऐसे एकदम से आवाज़ बढ़ जाएगी घट जाएगी, ये प्रॉब्लम आएगी इसमें इस टाइम पे जो ये जो वॉल्यूम कर रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि इसका ये वॉल्यूम भी ख़राब है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम मैं इसका अभी चेंज करूँगा, ये चेंज मैं पहले भी कर सकता था लेकिन मैंने सोचा कि आपको एक फॉल्ट पता लगेगा कि ये बाकी सब कुछ ओके है, जैसे कि अब ये इसकी लाइट एकदम से ये LED जो है ना इसकी एकदम से ये जलती है, ये देखो ये हल्की सी वॉल्यूम खोलते ही जल रही है और एकदम तेज जल रही है, तो क्या हो रहा है कि वॉल्यूम इसकी एकदम से बढ़ रही है, उसके बढ़ने की वजह से एकदम से प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है इसके वॉल्यूम कंट्रोल की वजह से, जैसे 5-6 एम्पियर तक सीधा पहुंच गया, ये तो 7 एम्पियर पहुंच गया। ठीक है, और ये देखो ये 6 एम्पियर हो गया और ये हो गया एकदम से ओवरलोड, क्लिपिंग का सिंबल आ रहा है ये। ठीक है ना, तो इसका वॉल्यूम मैं चेंज कर दूंगा और इसको ज़्यादा देर तो हमने चलाया नहीं है, ये ज़्यादा हीट नहीं हुआ। ठीक है, इससे ज़्यादा हीट तो ये अभी तक हीट ही है, ये भी कम है, इसको थोड़ी देर और चलाते हैं ताकि हमने इसको
ज्यादा देर तक नहीं चला पाए। ये देखो ये इसका वॉल्यूम कंट्रोल खराब है, ठीक है, इसका वॉल्यूम चेंज कर दूंगा, ये सेट बिल्कुल ओके हो जाएगा। अभी वॉल्यूम और बढ़ा रहा हूँ तो ये देखो एकदम से जीरो सा हो गया, ये देखो जीरो हो गया, ये वॉल्यूम बढ़ाने पे जीरो हो रहा है, ये कम कर दी मैंने, ये जीरो कर दी मैंने, ये मैं बढ़ा रहा हूँ, ये बढ़ाते बढ़ाते बढ़ा रहा हूँ, ये कम हो गई, तो ये वॉल्यूम कंट्रोल जो है ख़राब है, ठीक है। अभी और बढ़ा रहा हूँ इसको, ये और बढ़ा रहा हूँ, एम्पियर देखो बढ़ रही है, ये एक एम्पियर हो गई, और बढ़ा रहा हूँ, ये देखो एक एम्पियर ही है, ये लगभग 2 एम्पियर के आसपास पहुँच गई, ये एकदम से बढ़ गई है, 6 एम्पियर हो गई है, तो इसका ये वॉल्यूम एकदम से आवाज़ को बढ़ा रहा है, इसका ये वॉल्यूम ख़राब है। इस वॉल्यूम को चेंज कर देंगे तो मैं समझता हूँ आपको लोड टेस्टिंग के बारे में जानकारी थोड़ी मिल गई होगी, ठीक है। तो इसका भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आउटपुट है इसका, यहाँ पे कलेक्टर कलेक्टर आउट है इसका, और मैं इसकी वोल्टेज भी चेक करा था, वोल्टेज क्या है कि इसकी वोल्टेज जो है अमीटर पे आ रही है इसकी वोल्टेज, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, बहुत से एम्पलीफायरों में अमीटर पे वोल्टेज दी जाती है, कलेक्टर से आउट होती है, कईयों में अमीटर पे वोल्टेज दी जाती है और अमीटर से ही आउट होती है, सब में अलग अलग सिस्टम है। इसमें जो है कलेक्टर से तो सिग्नल आउट हो रहा है और अमीटर पे सप्लाई दी जा रही है, और बेस पे जैसा सिग्नल आता है वैसे ही, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।